भी पांच। ये देखिए इच्छा का भी पांच। और तो और बारी को भी लगा है पांच का चस्का। तो आखिर क्या है ये पांच का पांच? यही सोच रहे हैं ना? अरे जनाब, पांच का मतलब पांच साल। पांच साल का हो गया आपकी फेवरेट बहुओं को आपके घर तक पहुंचाने वाला चैनल कलर्स। ये चैनल सिर्फ 5 साल पुराना है, बट इट्स रीच इज अ लॉट एंड इट्स वेरी वेरी फेमस चैनल। इट फील्स रियली प्राउड कि यू नो 5 साल का हो गया बच्चा। मुझ में भी बहुत चेंजेस आए, कलर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए। छोटी सी उम्र पर नाई रे बाबो सा करो थारो काई मैं कसूर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Colors. Happy birthday to you. Colors. जिसने इच्छा को इच्छा बनाया, इसने आनंदी को वर्ल्ड फेमस कराया, जिसकी वजह से मधुबाला आज सबकी चहेती है और जो वाणी को भी पहचान दिला रहा है। वो चैनल 5 साल का हो और बहुएं सेलिब्रेट न करें, आज ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो चमक धमक कर आ गई कलर्स का बर्थडे मनाने। मस्त मस्त अब केक लाया गया और शुरू हो गया सेलिब्रेशन का दौर। के बहाने ही सही बहुओं की पंचायत बैठी तो शुरू हो गया जान पहचान का सिलसिला। कब कहाँ और कैसे मिले थे पहले, निकल पड़ी ये बातें। Hi, welcome to RK Mansion. I met her when she was shooting in a car and we were shooting on a tractor. और दोनों की इनकी गाड़ी में हमारा ट्रैक्टर बजट था और तब दोनों साइड से चीखे आ रही हैं। तब मैं रोली से मिली थी और मधु को तो मैं होली पार्टी पे मिली थी। कलर्स के इस बर्थडे सेलिब्रेशन ने खूब जोड़ी बनाई बड़ी और छोटी आनंदी की। सीरियल में आनंदी बड़ी होकर भले ही सीरियस हो गई, मगर यहाँ जब दोनों आनंदियाँ मिली तो उन्हें वही चुलबुलापन दिखा। देखिए कैसे अपने अपने शो के बारे में बता रही है। तो जब भी मैंने बालिका मधु देखा, मुझे अगर मैं थी या प्रत्युषा दीदी थी या तोरल दीदी है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये या तो मैं हूँ या तोरल दीदी है या प्रत्युषा दीदी है। हमेशा इट वॉज आनंदी। अबाउट बालिका आई फील द कंटेंट इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड द बेस्ट पार्ट इज बालिका मधु की जो टीम है, फ्रॉम राइटर्स टू डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस जो भी हैं, वो 5 साल तक वही के वही हैं। तो आपका टीका मुझे बड़ा पसंद। आधी चूलरी मेरे लिए छोड़ के गई है। यहाँ उतरन की मीठी और इच्छा का किरदार निभाने वाली टीना दत्ता की जोड़ी बन गई वाणी के साथ। दोनों भले ही अलग अलग सीरियल्स में काम कर रही हो, मगर दोनों को एक दूसरे के सीरियल्स में चल रही कहानी पूरी पता है। बहुत गलत किया मैं आती इनको बोला कि तुम सोहम के साथ शादी करना चाहिए। यार वेरी रॉन्ग, तुम सोहम को छोड़ के। आई नो मैं खुद भी सीरियल करती हूँ, फिर भी मतलब दूसरे का शो देखते हो तो ऐसा लगता है शिट यार इसने ऐसा क्यों किया, सोहम के साथ जाके क्यों शादी कर लिया। और बहुत गुस्सा आता है, करना पड़ता है सीरियल में। भाई इन बहुओं की दमदार परफॉर्मेंस का ही तो नतीजा है कि देखते ही देखते कलर्स सबका चहेता बन गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि 5 का 5 के बाद पूरी धूम के साथ कलर्स 10 का दम भी दिखाएगा। फिलहाल हमारी तरफ से कलर्स को हैप्पी बर्थडे।